दोस्तों टाटा टाटा एक ऐसा ब्रांड है जो कि हम टाटा के नाम जब सुनते हैं हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है कि ट्रस्ट। टाटा मीन्स आपके ऊपर एक भरोसा आ जाता है। और मैं आपको कुछ बताऊंगा तो मेरा दोस्त भी कभी कभी ये कहते हैं कि मेरे को टाटा में कुछ जॉब मिल जाए या फिर नौकरी मिल जाए तो मेरा लाइफ सेटल है। क्यों वो कहता है मैं उसको बाद में समझा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि टाटा लोग कहते करते हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज़ है वो सारे बेनिफिट्स दे देते हैं। मतलब क्या है कि आपके फैमिली के मेंबर्स को एजुकेशन हो गया या फिर आपके फैमिली को जो भी हेल्थ प्रॉब्लम आएगा उसी को भी हेल्प करेंगे, और जो आपका जो मतलब सारे चीज़ें आपका जो रिटायर होने के बाद भी आपको पैसे मिलता रहेगा, ये सारे चीज़ें बेनिफिट्स जो टाटा की कंपनी में मिलता है वो शायद कहीं कंपनी से मिलेगा नहीं। और मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि बहुत ही सारे लोगों का ये टेंशन रहता है, ये मतलब टेंशन तो नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये एक कंफ्यूजन सा रहता है कि भाई टाटा का जो इतने सारे मेंबर्स है, इतने सारे जो इतना बड़ा कंपनी है, लगभग 100 से ज़्यादा देश में ये कंपनी लेके रखा है, और 100 से ज़्यादा कंपनीज तो है लेकिन 100 से ज़्यादा कंट्रीज में ये अपने बेसिस मतलब कंट्रीज में उनके कंपनी है। तो ये वीडियो का मकसद क्या है कि मकसद ये है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी लोगों के दिमाग में ये एक चीज़ है कि जो कि जेम्स दे टाटा कौन है और रतन टाटा तो हम तो जानते हैं, लेकिन उनके जो पूर्वजों थे लगभग 150 साल हो गया जो ये कंपनी को शुरू होगा होता हुआ, तो जे आर डी टाटा कब आए थे और इसके पहले कौन आए थे, तो रतन टाटा जी किसका बेटा है, अगर उनको अडॉप्ट किया गया था तो ये सारे चीज़ें कंफ्यूजन सा रहता है। और मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू मैं आपको दूंगा जो कि टाटा ग्रुप के बारे में होगा। देखिए ये वीडियो एक इंटरैक्टिव वीडियो है, मैं आपको ये थोड़ा सा कुछ जो कि मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन में भी आपको मैंने समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। तो देखिए ये सबसे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि उनके कंपनी के बारे में। तो हाँ मैं जानता हूँ कि आप तो सब जानते हैं कंपनी के बारे में, लेकिन थोड़ा सा भी हम जाने। देखिए ये जो टाटा ग्रुप था, ये टाटा ग्रुप हमारा जो ये टाटा ग्रुप है ना, ये जमशेदजी टाटा उनका जो फाउंडर है, लगभग 1966 से ये कंपनी शुरू हुआ था, और आज तक जो भी रतन टाटा तो अभी तो थे। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि उनका जो चेयरमैनशिप है मतलब जो उनके जो मुखिया जो थे वो कौन कौन थे, और कब आपको मैं एक सर्टेन चीज़ बताऊंगा तो टाइम लाइन आपको मैं बताऊंगा। देखिए बहुत ही सारे चीज़ें की है कि जैसे कि उनके लीगेसीज है जो कि टाटा ग्रुप को बहुत ज़्यादा मतलब ग्लोबल पावर हाउस भी बनाया, और उनका जो बहुत ही बड़ा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि समाज के ऊपर एक उनका वो समझते थे कि समाज अगर हम बिजनेस चलते हैं सिर्फ हमारा प्रॉफिट ही नहीं, हम समाज के लिए कुछ दायित्व है हमारा। और वो लोग जानते हैं कि फिलेंथ्रोपी की मतलब फिलेंथ्रोपी से ही जाना जाता है वो लोग, और बहुत ही ज़्यादा पैसा उनका जो प्रॉफिट से वो लोग दान में दे देते हैं, दान में वैसे ही नहीं देते, उन्होंने एजुकेशन में खर्चा करते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको देख सकते हैं स्क्रीन में। तो ये तो जे आर डी टाटा है और ये जमशेदजी रतन टाटा, ये थोड़ा सा फैमिली उनका जो लीडरशिप का जो टाइम लाइन है मैं आपको थोड़ा सा, ये रतन टाटा है तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम लाइन बता दूँ कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे जो पहले है ना जो चेयरमैन है मतलब सबसे पहला मतलब जो फाउंडर है वो जमशेदजी टाटा थे, और थोड़ा सा आपको अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको तो डिटेल्स भी दिख जाएगा जैसे कि 1866 में जब जमशेदजी टाटा फाउंडर द टाटा ग्रुप। और ये टाइम लाइन आपको क्यों मैं देता हूँ क्योंकि आपको और आसान हो जाए कि ये सारे चीज़ को समझने की। तो देखिए जब उन्होंने फाउंडर किया तो 1900
में ताजमहल पैलेस ओपन किया था, जो कि आपको एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी में बताऊंगा इसके पीछे का क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी था। और इसके बाद कौन आया, जो कि सर दोरावजी टाटा, मतलब ये सारे चीज़ें हैं, आपको मैं ये सारे चीज़ें बताऊंगा, और जब आप वीडियो को देखोगे तो मैं सारे चीज़ें आपको बताऊंगा। और ये भी जो आपने देखते हैं कि ये सारे चीज़ें, जैसे कि टाटा स्टील और JR टाटा कैसे चेयरमैन बने, मतलब रतन टाटा इसके बाद आए, कौन कौन आया, सारे चीज़ें आपको आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं हम लोग। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि तो पहले हम देखेंगे कि जो भी एक ये थोड़ा सा हमारा जो माइंड में एक विजुअल दे दे कि इसके बाद कौन आया है। देखिए, जमशेदजी टाटा, इसके बाद सर टाटा या JRD, और तो ये थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, मैं आपको आगे में बताऊंगा। अब नीचे आइए, तो देखिए पहले जो फाउंडर थे, जो सबसे पहले, जो अभी 150 साल हो गया ना कंपनी को, सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो पहला लोग है, क्योंकि सबसे फर्स्ट चीज जो भी पहला स्टेप है वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट वन, मैं ये कहीं पढ़ा था। तो महत्वपूर्ण सबसे क्या है कि जो शुरुआत किया है, तो जमशेदजी टाटा ने यहाँ पर अपनी कंपनी को लीव मतलब फाउंडेशन को लेड किया था। तो उनका जो टाइमलाइन था, लगभग 1866 से 1904 तक, क्योंकि 1904 के बाद उनका देहांत हो गया। तो आपको मैं बता दूं कि उनको, जमशेदजी टाटा को हम फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हमारे भारत उसी समय क्या था कि हमारा इंडिया 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन ये टाइमलाइन आप देख सकते हो कि इससे पहले कौन सोच सकता है कि भाई भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, या फिर हम लोग ये सोचते हैं कि हमको बस कैसे आज़ादी मिल जाए इंग्रेज को, इंग्रेजों से। तो लेकिन ये क्या बोलते हैं कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, अगर वो होंगे तो शायद ही हमारे, हम इंडियंस को और भी कुछ बेनिफिट्स हो जाए। तो उन्होंने ये, उनका जो हमारे, हम इंडियन इंडस्ट्री, जो हमारा जो इंडियन इंडस्ट्री था, जो कि सबसे पहले उनके दिमाग में ये आया और उन्होंने एक्शन में लिया है, जैसे कि हम फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। और कंट्रीब्यूशन उनका ज़्यादा था हमारे भारत को लेके, आज़ाद को लेकर। ठीक उसी तरह है, जमशेदजी टाटा का भी कंट्रीब्यूशन से हमारे जो भारत को इंडस्ट्री आया है, या फिर लाने की, है ना। तो उनका तो ये हो गया, आप देख सकते हैं उनका फोटो से। और मैं आपको उनका की कंट्रीब्यूशन बता देता हूँ। देखिए, उनका जो सिर्फ का सिर्फ मतलब था कि हम भारत को कैसे इंडस्ट्रियलाइज करें और टेक्नोलॉजिकली सोशली कैसे हम एडवांस करें हमारे भारत को। और सबसे ज़्यादा क्या है कि जो आज भी हम इसको टाटा स्टील के नाम में जानते हैं, पहले जानते थे कि टेल्को टिस्को के नाम पर, मतलब क्या है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम पे हम जानते थे। तो बाद में इनको नामकरण कर दिया कि 1907 में उनका जो बेटा था, मतलब दूसरा चेयरमैन उन्होंने, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ओके, सो टाटा हाइड्रोलिक पावर सप्लाई कंपनी, तो इसका क्या है कि उसी वक्त टाटा स्टील को इस्टेब्लिश किया था। और टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, जैसे कि हम कैसे क्लीन एनर्जी को कैसे हम लोग को हार्नेस करें। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या मतलब है, पानी से बिजली उत्पादन करना, मैं कहूँ 150 साल पहले। तो आप सोच सकते हो कि भाई इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट कैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं अपने काम को। और ये सबसे बड़ा चीज़ है, जो कि ताज होटल के बारे में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुने हैं। अब मैं कहीं से एक स्टोरी सुन रहा था कि हमारे इंडियंस, एक इंडियन, एक भारतीय, एक सिनेमा हॉल को जाता है, और गलती से वो जो जहाँ पर इंग्रेजों ने बैठते हैं उसी सीट में साथ जाकर बैठ गया। तो
मतलब इतने उसको मारे थे, इतने उसको मारे थे कि उसका मतलब शरीर में इतना जख्म किया था भाई, क्या ही बोलोगे मैं, क्या ही मैं बोलूँगा। तो और इसके इसके लिए इसके बाद उन्होंने बोर्ड लगा दिया था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। और जब ये उनको जब पता चला कि ये सारे चीज़ें सिर्फ उनको ही मतलब प्रिविलेज आदमी मतलब वो लोग हमको ही शासन करते हैं और हमको बैठने दे देते या फिर ये सारे चीज़ें हैं, तो उन्होंने एक ताज होटल बनाया जो कि हम लोग आज भी हम इसको बहुत ही प्राउड फीलिंग करते हैं कि जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड पे ये सारे चीज़ें उसको सॉल्व किया जाता है, इंडियन हॉस्पिटैलिटी। तो उन्होंने 1903 में ये इसको ताजमहल होटल पैलेस होटल को शुरू किया था जो कि आज भी है ना। तो जमशेदजी जी का सिर्फ यही मतलब था कि हम कैसे नेशन बिल्डिंग के ऊपर कैसे काम करें और जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी के ऊपर काम करें, और फिलंथ्रोपी मतलब वही उनका जो कोर वैल्यूज है फिलंथ्रोपी था, इसीलिए वो लोग ज़्यादा अभी भी 600 साल हो गया फिर भी कंपनी अभी जैसे कि वैसे ही और उनका वैल्यूज भी वही है। तो उसके बाद आता है जो कि सर दोराबजी टाटा, उनका उनका बड़े बेटा है ना। तो उनके दो बेटे थे, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। उनका जमशेद जी का दो बेटे थे, पहला था कि सर दोराबजी टाटा और दूसरा था जो कि रतन जी टाटा, रतन टाटा मैं नहीं बोल रहा हूँ, रतन जी टाटा। तो दोराबजी टाटा एंड रतन जी टाटा ये दो भाई थे, ये दोनों जमशेद जी के पुत्र थे। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर बड़े बेटा है तो छोटे बेटे को तो संभाला संभालने के लिए या फिर कोई भी चीज़ें नहीं दिया जाएगा। तो इसके उनके डेथ के बाद जमशेद जी की मृत्यु के बाद उन्होंने ये संभाला है। तो मैं आपको बता दूं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, अभी मैं आपको बताऊं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था जो कि सर दोराबजी टाटा का। तो उनका फादर का डेथ हो गया 1904 में है ना, तो 1904 से 32 32 को 1904 से लेकर 32 तक उनका कार्यकाल रहा था। तो उनका कंट्रीब्यूशन था क्या है कि उनका जो फादर का विजन था, और मतलब आजकल के लोग क्या करते हैं कि अब जब बड़े होते हैं या फिर लोग बड़े हो जाते हैं तो अपने पिताजी को कितने क्या क्या व्यवहार करते हैं आपको तो सभी पता है, लेकिन उसी समय कैसे देखिए अपने पिताजी के विजन के ऊपर काम करते हैं करते थे। फादर्स विजन ऑफ टाटा स्टील, टाटा स्टील को लेकर उन्होंने 1911 में मतलब एक ऐसा टॉप प्लेयर बन गया, मेजर प्लेयर इन द टाटा इन द स्टील स्टील इंडस्ट्री। तो मतलब लगभग 5 साल में उन्होंने एक मेजर प्लेयर उनको बना लिया, और जो टाटा पाव उन्होंने टाटा पावर को फाउंड किया है, जो कि टाटा पावर मतलब क्या कि जो बिजली देने का जो काम है, तो उन्होंने ये फाउंड किया था। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो कि आज भी जो चलता है कि टाटा ट्रस्ट के नाम पे उन्होंने जो दूसरा चेयरमैन था, जो सेकेंड चेयरमैन दोराबजी टाटा ने थे, उन्होंने क्या ये सोचे कि भाई हम कैसे अपना जो हम तो पैसा कमाते हैं एज ए बिजनेस, लेकिन हम सोसाइटी को हम क्या दें। तो उन्होंने कुछ ऐसे कुछ फाउंडेशन बनाया जो कि दोराबजी टाटा ट्रस्ट इन 1932 में बनाया था। तो फिलंथ्रोपी की वार करने के लिए मतलब दूसरों को कैसे हेल्प किया जा सकता है उसके लिए। तो उनका जो फादर का ड्रीम था उन्होंने वो तो पूरा किया ही, और फाउंडेशन भी कर दिया जो कि फिलंथ्रोपी की लेगेसी भी हम बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन को सपोर्ट करे, जैसे कि हेल्थ को सपोर्ट करना हो, जैसे कि कम्युनिटी जो कि हमारे जो कम्युनिटी है उनको भी कैसे हेल्प किया जा सकता है। तो इनके बाद जो कि थर्ड चेयरमैन आया है नरोजी नरोजी सकलात वाला, जो कि उनके बाद आया 1932 के बाद आया है और 1938 तक उन्होंने रहा है। और मैं आपको बता दूं ये उनका जो फोटो भी आप देख सकते हैं, ये तीसरा चेयरमैन था थे। तो
लगभग ये एक क्लोज एसोसिएट मतलब रिलेटिव है टाटा फैमिली का, क्योंकि तो टाटा ग्रुप का मेंबर ही है। मैं कहीं से पढ़ रहा था कि ये टाटा फैमिली तो मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो रिलेटिव है वो कैसे है, जो उनका जो जमशेद जी का पुत्री मतलब डॉटर थे उनके बेटे रतन जी, सॉरी उनके बेटे नारोवो जी सकलातवाला। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जमशेद जी के जो पुत्री थे उनके बच्चा, उनके उनके जो बच्चे थे जो कि उनको हम रिलेटिव ही बोलेंगे, है ना, तो उनको चेयरमैन से बनाया गया है, दिया गया। तो उसी वक्त 1932 में जब आप देख सकते हैं कि उसी वक्त बहुत ही बड़ा डिप्रेशन आया था, जो कि हम इसको ग्रेट डिप्रेशन बोल सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि उसी वक्त बहुत ही सारे कंपनी डूबे हैं, और ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि कंपनी को कैसे इकोनॉमिकली स्टेबल रखना है, क्योंकि जब इकोनॉमिकल जब स्टेबल रखोगे तो कंपनी अभी शायद स्लो ही चलेगा, कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जब ये इकोनॉमिक स्लो डाउन चल जाएगा, ये तो गेयर लिपनेस आ जाएगा, तब आपको कंपनी को ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए ये सारे चीज़ें उन्होंने इकोनॉमिक टाइम के डिफिकल्ट इकोनॉमिक के टाइम पे कंपनीज को बचा के रखा है, और उनके बाद सबसे ज़्यादा जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा उनको रेस्पेक्ट भी करता हूँ, और उनका नाम है JRD टाटा। और 1930 से लेकर 1991 तक सबसे बड़ा, सबसे जो लंबा समय टाटा ग्रुप में वो इन्हीं निकाला है, मतलब इन्होंने ही बिताया है 5 डिकेट्स, मतलब 50 साल। और मैं आपको बता दूं कि उनका जो पूरा नाम है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, इनको हम शॉर्टकट में बोलते हैं JRD टाटा। और ये इंडिया मोस्ट आइकोनिक इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि उनका जो क्या क्या कंट्रीब्यूशन था हमारे जो उनके जो कंपनी के अंदर, तो ये सारे कंट्रीब्यूशन है जो कि उनका जो इंटरेस्टिंग जो पार्ट था, जो कि इंटरेस्टिंग जो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे कि एरोस्पेस में, तो इसीलिए ही शायद उन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस को निकाला था, और बाद में जाकर टाटा एयर इंडिया बन गया, है ना। तो उन्होंने और भी एक चीज किया कि जो कि टाटा मोटर्स उन्होंने निकाला, है ना, जो कि पहले से भी हम उनको बोलते थे कि टेल्को बोल सकते हैं, लेकिन टाटा मोटर्स को एस्टेब्लिश किया, जो कि आगे जाकर अब हमारे भारत की सबसे पहला पैसेंजर कार बनाया, जो कि लॉन्च कौन किया है, रतन टाटा जी ने किया था, लेकिन सब वो बाद में जाकर भारत के सबसे पहला जो कार बनाया था, जो टाटा इंडिका उन्होंने जाकर बनाया था, मतलब उन्होंने नहीं बनाया लेकिन बाद में जाकर वही कंपनी हेल्प किया टाटा मोटर्स ने। तो और एक चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा फोटो देखिए, इसमें आपको क्या नजर आता है। देखिए ये सारे कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो फोकस करते थे कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ वो आते थे, वो एम्प्लॉय को वेलफेयर को बहुत ही ज़्यादा फोकस करते थे, वो कैसे एम्प्लॉय के बेनिफिट्स को उनको कैसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है, जैसे कि 8 घंटे दिन में 8 घंटे काम करना है और पेड लीव लेना है, मतलब आप घर छुट्टी भी लोगे तो भी आपको पैसा मिलता रहेगा, और आपको रिटायरमेंट के बाद भी बेनिफिट्स मिल सकता है, जैसे कि पेंशन हो गया या फिर कुछ और सारे कुछ चीज़ें, ये सारे चीज़ें। और TCS भी उन्होंने 1966 में लगभग 100 साल के बाद ये टेक्नोलॉजी फील्ड मतलब आए हैं, तो टेक फील्ड में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और दुनिया के सबसे लीडिंग IT सर्विस कंपनी भी है। मैं आपको बता दूं कि ये TCS बाद में जाकर अभी दुनिया का सबसे टेक
टाटा ग्रुप का एक मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि TCS ही एक ऐसा कंपनी है जिसे हम बोल सकते हैं कि और जो आप सुनते हैं ना कि इंफोसिस के बारे में सुनते हैं, टेक महिंद्रा के बारे में, इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट ये कमाते हैं, क्योंकि लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं भाई। जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको, मतलब JRD को तो मानते थे, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, TCS एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके लोगो दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो देखिए ये सारे चीज़ें जैसे कि एयरलाइन टाटा एयरलाइन तैयार करना हो, या फिर जैसे कि टाटा मोटर्स तैयार कर एस्टेब्लिश करना हो, या फिर 8 घंटे की छुट्टी, मतलब 8 घंटे का काम दिन में पेड लीव, ये सारे चीज़ें जैसे कि कंपनीज बेनिफिट्स हो कंपनी का जो एम्प्लॉइज को, तो ये सारे चीज़ें उन्होंने किए। तो हम जाते हैं जो आज की हमारे बीच अभी तो नहीं रहे उन्होंने, रतन टाटा। रतन टाटा अभी मैं आपको क्या बताऊँ, October 9 में 2024 में उनका देहांत हो गया। और मैं शायद ही उनको उनको उनके बारे में बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना टाटा ग्रुप को तो ही भले ही लिए हैं, लेकिन फिर भी वो जो कॉरपोरेट एथिक्स था उनका, जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो कैसे काम, मतलब जो भी काम करते थे वो पूरी तरह से निचले स्तर पे जाकर काम करते थे, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसी को समझते थे। और उनको ये समझ में आ गया कि हमारे भारत के लगभग 70% से भी ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, तो हम गांव में ही क्यों ना एजुकेशन प्रोवाइड करें, गांव में ही क्यों ना हम इसको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, गाँव को क्यों नहीं हम रूरल डेवलप के बारे में सोचते हैं। देखिए ये सारे चीज़ें उनको उनको भी कई बार, ये मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि जब टाटा जो मोटर्स का जो जब टाटा मोटर्स ने अपने प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन के लिए वेस्ट बंगाल में अपना जो प्लांट लगाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर पॉलिटिकल कुछ इश्यूज हुए जो कि 2008 के बारे में बात कर रहा हूँ, उस पॉलिटिकल कुछ इश्यूज हुआ और फार्मर प्रोटेस्ट था। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मतलब उनका अल्टीमेट गोल था कि कंपनी को यहाँ पर नहीं आने देना चाहिए, उन लोगों का कहना है। लेकिन उनको क्या पता था कि अगर वो कंपनी वहाँ पर आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, अगर और टैक्स भी सरकार को मिलेगा, और बहुत ही सारे लोग, मतलब आप एक लोग एक जन को अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हो, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ आप एक लोग ही आपके एम्प्लॉयमेंट पाता है, उनके परिवार में जितने भी लोग हैं वो सारे एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स पाते हैं, मतलब उनके परिवार को बेनिफिट्स मिलता है ना, एजुकेशन का हो गया, फिर हेल्थ हो गया, मतलब सारे चीज़ें बेनिफिट्स मिलता है जो भी टाटा के अंदर काम करता है। लेकिन वहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से उनको बाहर आना पड़ा, लेकिन बाद में उनको पछताना पड़ा, है ना। तो ये तो हो गया 2008 के किस्से में। थोड़ा सा डीप जाना चाहता हूँ उनके बारे में, और बहुत ही मतलब एक क्या बोलूँ मैं, आप देखोगे तो ही जानोगे। तो 1991 से लेकर 2012 तक उनका टीनर था चेयरमैनशिप का, और पांचवा चेयरमैन है टाटा ग्रुप का। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके बता देता हूँ। कभी कभी ये बोलते हैं कि उनको अडॉप्ट किया गया था, देखिए नहीं, उनको अडॉप्ट नहीं किया गया था, उनके फादर को अडॉप्ट किया था। मैं आपको थोड़ा सा एक उनके जो फैमिली का ट्री बता देता हूँ, मतलब आप कैसे बताओगे, देखिए देखो सुनो, पहले है कि जो कंपनी के फाउंडर है टॉप लेवल पे है ना, और उनके जो उनके दो बेटे थे, पहला बेटा है जो कि सबसे बड़ा बेटा है सर दारव, जो कि जो सेकंड चेयरमैन है,
तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। तो देखिए जो जमशेद जी टाटा थे वो तो फाउंडर है, उनका दो बेटे थे जमशेद जी टाटा का। तो पहला बड़ा बेटा था कि सर दोरावजी टाटा, और दूसरा बेटा है जो कि आपको मैं बता दूँ, और यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। देखिए उनका और एक बेटा था रतन जी, उनका नाम था कि रतन जी, रतन टाटा नहीं रतन जी। ओके, तो दो बेटे था, वो तो छोटा बेटा है, ये रतन जी छोटा है और दोराबजी बड़े बेटा है। तो बड़े बेटे को चेयरमैन बना दिया गया, और इसके बाद उनके बाद नौरोजी शुक्लत वाला है जो कि रतन जी के जो डॉटर थे उनके सन है, मतलब उनका उनके क्या बोले हम इसको सन मतलब पुत्र है। तो इसके बाद आए कि जे आर डी टाटा। तो जे आर डी कौन है, जे आर डी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रतन जी के पांच संतान थे, 1 2 3 4 5। देखिए ये हो गया, तो ये तो पहला ये जो आदमी है जे आर डी ये पहला बच्चा है ना। और एक बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया था, नाबाल टाटा को अडॉप्ट किया था, मतलब उनको और एक बेटा बन गया। तो लगभग ये तो पांच हो गया, और ये इसको मिलाकर मतलब नाबाल टाटा को अडॉप्ट किया था, तो इनको मिलाकर और एक मिलाकर इनको छह हो गया। तो रतन जी के लगभग हम टेक्निकली बायोलॉजिकली हम बोल सकते हैं पांच बच्चे, लेकिन हम ओवरऑल बोलेंगे तो छह बच्चे थे। तो उन्होंने जे आर डी टाटा थे और नाबाल टाटा थे, उनको दो भाई की तरह उन्होंने ट्रीट करते थे अपने आप को। तो जे आर डी टाटा है, तो जे आर डी टाटा के बाद बायोलॉजिकली मैं जानता हूँ कि जे आर डी का भाई नाबाल टाटा नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने आप को भाई ही समझा नाबाल टाटा को। तो नाबाल टाटा के जो रतन जी ने अडॉप्ट किया था उनके बेटे ने चेयरमैनशिप वो पाया था। तो ये रतन टाटा जी आए थे। तो इसके बाद साइरस मिस्ट्री मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। तो ये उनका ट्री है, आप अगर थोड़ा सा समझ लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चाहते हैं हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। तो मैंने आपको समझा दिया कि एक कैसे एक टाटा का जो ट्री है, मतलब कैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बता दिया। तो अभी रतन टाटा के बारे में और थोड़ा उनका जो कंट्रीब्यूशन है तो टाटा के फैमिली के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए पहला बात है कि आपको देखिए ये उनका जो फोटो है और ये जो तितली ब्रांड है, तितली कंपनी 2000 में उनको एक्विजिशन किया था उनके टेनर में ही। और जागुआर लैंड रोवर के बारे में तो आपको पता ही है, उन्होंने कैसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इसके पीछे, जो कि 1998 और 1999 में जब टाटा इंडिका हमारा इंडिया का जो पहला कार निकाला था उन्होंने, तो शायद ही कुछ बिजनेस की प्रॉब्लम की वजह से कमर्शियल सेल्स नहीं हुआ था, या कुछ और प्रॉब्लम होने की वजह से ये प्रोजेक्ट फेल होने जा रहा था। तो उन्होंने सोचे कि क्यों हम इस प्रोजेक्ट को नुकसान करें, हम इसको किसी और दूसरी कंपनी को बेच देते। तो रतन टाटा जी ने फोर्ड के पास गए, मतलब फोर्ड भी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो उनके पास गए। लेकिन वहाँ पर एक ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया कि उन्होंने जब अपने कंपनी को बेचने के लिए गए तो उनको बोला गया कि अगर आपको कंपनी चलाना ही नहीं आता, आपको मैन्युफैक्चरिंग करना या फिर आप संभालना आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो आपको आप कंपनी क्यों चालू की। तो ये मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हार्ट को मतलब हीट कर गया, जो कि टाटा और रतन टाटा जी को।
तो उन्होंने वहाँ पर कंपनी को नहीं बेचा, वो वापस इंडिया चला आए। तो आने के बाद 2009 में 2008-09 में जब इकोनॉमिक कंडीशन कुछ ठीक नहीं रहा, क्योंकि पूरी तरह से इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था, स्टॉक मार्केट भी क्रैश हुआ था उसी वक्त, तो कंपनी जो जागुआर और लैंड रोवर कंपनी है वो डूबने वाला था। तो उसको एक्विजिशन किया था, मतलब जिस भी कंपनी के पास उन्होंने गया था और उन्होंने बोला था कि आपको कंपनी चलाना नहीं आता है तो आपने कंपनी क्यों शुरू किया था, और उसी वक्त लगभग 8-9 साल के बाद उसी वक्त कंपनी को खरीदना, उन्हीं का कंपनी को खरीदना कितना मतलब एक सेटिस्फाइंग चीज लगता है, आप ये समझिए ये सब। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप चाहते हो जानने के लिए तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है जो कि आपका जो कोरो स्टील है, 2007 में एक्विजिशन किया था स्टील कंपनी को, और जब ये एक्विजिशन हो गया सक्सेसफुली तो ये दुनिया के सबसे लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरर बन गए, है ना। तो इसके बाद और भी आप जानते हैं कि टाटा नानो के बारे में जानते हैं, 2008 में लॉन्च किया गया था, दुनिया की सबसे चीपेस्ट कार बनाया गया था, है ना। और उनका जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स है, एथिकल स्टैंडर्ड्स का मतलब यह पर क्या है कि आप एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करते हैं, जब एम्प्लॉयज़ का प्रॉब्लम आता है तो एम्प्लॉय के साथ कैसे खड़ा होना है, या फिर उनका मानना है ये है कि कंपनी को आगे ले जाना है तो हम एम्प्लॉय हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है कि एम्प्लॉयज़ को हम कैसे खुश रखें। और बहुत ही सारे मेरे दोस्त भी कहते हैं कि भाई जब एम्प्लॉयज़ को आप एक अच्छा बेनिफिट्स देते हो, आपको एम्प्लॉयज़ को ऐसा फीलिंग देते हो कि आप एम्प्लॉयज़ एक प्रोटेक्शन फील करे, मतलब दूसरा कोई चीज़ नहीं, सिर्फ वो अपने काम के ऊपर ध्यान में दे सकता है कैसे, मतलब उनको फैमिली कोई इशू नहीं आना चाहिए और उनके हेल्थ के बारे में या फिर एजुकेशन को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब सारे चीज़ें कंपनी ही लेगा। तो ये सारे चीज़ें जब बोलेंगे तो एम्प्लॉयज़ को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। ये सारे चीज़ें कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसे किया और इथिकल स्टैंडर्ड, ये सारे चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने हेल्थ केयर हो गया या फिर एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट की बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है टाटा ट्रस्ट के मदद से, है ना। तो ये सारे चीज़ें आए। और 2016 में साइरस मिस्त्री आए, जो कि उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं नहीं था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो है, जैसे कि फाइनेंशियल हेल्थ को संभाले हैं लगभग 4-5 साल 2016 तक। और उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया, जैसे जो भी कंपनीज जो भी बिजनेसेस प्रॉफिट नहीं कमाते थे उनको, उनके एसेट्स जो उनको बेचने लगा है। और टाटा हाउसिंग को देख सकते हो और टाटा प्रोजेक्ट्स को देख सकते हो, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काम करता है और रियल इस्टेट के बारे में काम करता है। तो अच्छा, ये सारे चीज़ें और सारस मिस्त्री तो हो गए चेयरमैन, फिर भी उनका जो लीगल डिसएग्रीमेंट्स है, जो कि टाटा बोर्ड के ट्रस्ट और टाटा ट्रस्ट के जो बोर्ड मेंबर थे उनके साथ थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो गया और 2016 में, क्योंकि देखिए भाई ये मान लीजिए कि डिसएग्रीमेंट क्यों होता है, टाटा एक ऐसा ब्रांड है जो कि इमोशन से काम चलता है, अगर आपका कंपनी अगर नहीं भी चलता है तो कंपनी को अगर कंपनी बेच जाए तो वो इमोशन नहीं रहेगा शायद, क्योंकि देखिए एक टाटा नानो को क्यों लॉन्च किया गया था या फिर इंडिका को क्यों लॉन्च किया गया था, देखते हैं कि लोगों इंडिया के लोगों की जो मिडिल क्लास इनकम लेवल के लोग हैं उनके लिए निकाला गया था, एक सिंपथी था। हाँ भाई हमारे जो इंडियंस लोगों के लिए टाटा का कुछ वो सोचते हैं, क्यार करते हैं हमारे लिए, इसीलिए वो 1 लाख के अंदर अपने कार को लॉन्च कर दिए थे, कर दिए थे। तो ये तो एक इमोशन से, अगर इमोशन से के साथ आप टाटा खासकर टाटा के बारे में सोचोगे तो इमोशन के साथ भी सोचना होगा, तो इसीलिए शायद उनको रिटायर किया गया था। और ये बोर्ड नॉन टाटा फैमिली के मेंबर्स थे, शायद उनको ही
इमोशन के बारे में पता नहीं होगा उनका क्या इमोशन से, जो कि सिर्फ टाटा फैमिली ही जान सकता है। तो उनको 2016 में फिर से रतन टाटा जी को एंटरिंग का मतलब क्या है कि जो कुछ काम चलाने वाला, मतलब जस्ट इंटरिंग चेयरमैन, मतलब क्या है कि जस्ट काम चलाने वाला, काम चलाए हम इसको ओडीआई बोलते हैं, है ना। तो जो अभी चल रहा है कि 2017 से अभी तक नटराजन चंद्रशेखरन चलाते हैं, जो कि चेयरमैनशिप, सेवेंथ चेयरमैनशिप उनका है। और पहले उन्होंने सीईओ थे टेसिस कंपनी का, जो कि उनके ही कंपनी का। और ये सारी चीज़ें आप उनका जो कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे हम अभी देख सकते हैं। और क्या क्या था जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन था, टेक्नोलॉजी के ऊपर था और इनोवेशन के ऊपर था, जो कि टीसीएस को एक ग्लोबल स्टेज पर लेके गए। अब भाई एक एक लोगों का कंट्रीब्यूशन है, मैं तो ये मानता ही हूँ, है ना। तो ये सारे चीज़ें हैं। और क्या क्या है, मैं थोड़ा सा ये चीज़ें देखिए, ये मैंने दो फोटोस लगा दी यहाँ पर, थोड़ा सा गलती हो जाए अगर, माफ़ कर दीजिए। और क्योंकि यहाँ पर मतलब दोनों जगह पे लगाना नहीं चाहिए, है ना। तो हम आते हैं कि उनका जो कंट्रीब्यूशन किया था नटराजन चंद्रशेखरन का, और टाटा डिजिटल आपने सुना ही है, जो कि टाटा न्यू आपने सुना ही है, जो कि एक आई थिंक कि टाटा न्यू एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और टाटा डिजिटल मतलब क्या कि टाटा 1MGB 2021 में शायद उनको खरीद लिया है। मतलब डिजिटल क्षेत्र में उनको कैसे प्रॉब्लम्स को, जो जो भी इंडियंस को आएगा, या फिर उनके लिए हम कैसे एक इनोवेटिव तरीका हम बना सकते हैं, डिजिटल तरीके से हम बना सकते हैं। और उनका जो टाटा मोटर्स का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट था ना, उन्होंने अनाउंस किया था, जो कि नटराजन चंद्रशेखरन। और इस तरह से तो मैंने बता दिया। और उनका भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेजर रोल प्ले करता है कि एयर इंडिया को 2021 में अपने कंपनी के अंदर लाना था। तो ठीक है, तो ये उनका एक था कि जो कि हम बोल सकते हैं कि डिजिटल फर्स्ट अप्रोच उनका था, मतलब हम डिजिटली कैसे ग्रो करें, है ना। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि हम लोग आज, आपको बहुत ही बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सारे समय देकर अपना इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर ये PDF पाना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं इसको पाने के लिए, मैं आपको फ्री दे दूंगा। और क्योंकि इसको मैं बनाने के लिए कुछ बहुत ही घंटे लगाए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको फ्री में दे दूंगा, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा मैं ये दिखा देता हूँ कि एक जो लास्ट चीज़ में होता है ना, जो हम ओवरव्यू हम बोल सकते हैं कि JRD टाटा, नटराजन चंद्रशेखरन, सारा सेमिस्ट्री, असमसे टाटा फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप, विजन क्लियर, मतलब ये सारे चीज़ें एक ओवरव्यू है। तो चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हैं कुछ भी, तो आप ये सारे रेफरेंस ले सकते हो, है ना। तो मैंने आपको कुछ रेफरेंस दे दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो आपको बहुत ही बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे समय दिए मुझे, थैंक यू।